नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। केरल पिछले 100 साल की सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। हर ओर पानी ही पानी है। सेना के द्वारा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आरएसएस के कुछ लोग भी वहां पर लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोग पैसे डोनेट कर भी लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है। आइए फोटो में आपको दिखाता हूँ उस फोटो में क्या कहा जा रहा है। दरअसल रोहन शर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि आज आरएसएस के स्वयंसेवक पी रघुनाथ केरल में बाढ़ पीड़ितों के प्राण बचाते बचाते अपने प्राण गंवा बैठे। उसके बाद वो नीचे आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं, साथ ही वो वामपंथियों द्वारा लगातार उठाए जा रहे निशानों पर भी अपनी बात कह रहे हैं। उसके साथ ये फोटो शेयर किया जा रहा है, जिस फोटो को बताया जा रहा है कि वो रघुनाथ हैं जो वहाँ पर आरएसएस के कार्यकर्ता थे और लोगों की मदद करते करते उनकी मौत हो गई। साथ ही नीचे क्या लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। वैसे संघ को कोसने वाले, उन्हें भगवा आतंकी बोलने वाले, एनजीओ ब्रिगेड, सेकुलर लिबरल संवाद बुद्धिजीवी वर्ग में से ऐसे कितने लोग हैं जो आज केरल में जमीन पर उतर कर लोगों की सहायता कर रहे हैं और राहत व बचाव कार्य में जुटे हैं। उत्तर है, एक भी नहीं। वे सभी इस समय अपने अपने आरामदायक घर में काउच पर बैठकर वाइन सिप करते हुए टीवी देखकर ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं। साथ ही ये फोटो है, लेकिन इस फोटो की सच्चाई क्या है? ये फोटो आखिरकार वाकई पी रघुनाथ का है जो आरएसएस के वॉलंटियर थे और लोगों की मदद करते करते उनकी वहां पर मौत हो गई, ऐसा है क्या, या फिर इसकी सच्चाई कुछ और है? चलिए हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। दरअसल ये फोटो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो फोटो आप देख रहे हैं जो इस सच्चाई बताता है, जब हमने इस फोटो को सर्च किया तो पता चला कि ये फोटो केरल की न्यूज वेबसाइट मनोरमा न्यूज का एक लिंक है। ये मलयालम भाषा में था, इसको हमने ट्रांसलेट करके पता लगाया कि क्या इसकी हेडलाइन थी। तो हेडलाइन पता चली कि इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करते हुए बिजली कर्मचारी की मौत की है, यानी ये खबर 17 अगस्त की है, जिसमें लिखा था कि केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी रघुनाथ पुत्र मणिकरण की रिपेयर वर्क के दौरान मौत हो गई। हादसा पीली मस्जिद के पास बारिश के मौसम में ट्रांसफार्मर की सफाई के दौरान हुआ। रघुनाथ को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें नहीं बचाया गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने का काम किया जाता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर आरएसएस जो है लोगों की मदद कर रही है और अच्छी बात है कि वहां पर लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन कुछ झूठ फैलाया भी जा रहा है। जो आपने देखा कि किस तरह से एक इलेक्ट्रीशियन को आरएसएस का कार्यकर्ता बताकर उस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और तमाम कमेंट्स भी आ रहे हैं, तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप खबरों की सच्चाई पता करने के लिए लगातार देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।